उतर। तो हम अपने सरप्राइज की तरफ पहुंच चुके हैं। कैसे हैं आप सब? मैं ना बड़ी जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और वो भी मेरी ऑफिस से छुट्टी हो गई है। अब पूजा है नीचे एक मिनट। और आज बड़ी गुड न्यूज़ है, धमाकेदार खबर है जो कि मैं आपको देने वाली हूँ जल्द। ओह, पूजा का न्यू लुक देखा आपने? रेड हेयर लुकिंग गॉर्जियस। सो अभी इस सरप्राइज के बारे में दोस्तों घर में भी किसी को पता नहीं है, एज यूजुअल मुझे पता है। वैसे अभी चलते हैं, ऑफिस से छुट्टी हो गई है और हम जा रहे हैं हमारे स्टाफ मतलब एम्प्लॉय के साथ, कलीग के साथ। सभी अनिल सर कहाँ? चलो ये अनिल सर। हेलो। सरप्राइज किया। चलो चलो उतर। तो हम अपने सरप्राइज की तरफ पहुंच चुके हैं। क्या भाई जरा थैंक्स टू अनिल सर। मैंने बोला मैं चली जाऊंगी बट उन्होंने बोला नहीं मैं छोड़ के आऊंगा, थैंक यू सर। अभी चलते हैं और घर में मम्मी और को पता नहीं है। फोन किया था मैं? हाँ। फोन किया था? तो आदर नहीं लगी। मम्मी को शौक हो गया था। मैंने आज खाने के लिए ही बोला ना इसलिए। अरे वही था दोस्तों, अब ना हम पहुंच चुके हैं मतलब अपने घर के एरिया में। यहाँ घुमाने में लगे खाली दिल्ली क्योंकि अभी इसको पता नहीं, क्योंकि हम ना इस एरिया में अभी जस्ट न्यू शिफ्ट हुए हैं। अभी हम एक महीना भी नहीं हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए, इसे पता ही नहीं हम रहते हैं। बस बैग लेके भगवाने में लगी मेरे को यहाँ से वहाँ। इसने बैग ले रखे हैं, तेरे हाथ में इसका बैग है और इसने बोला कुछ खाना है, तो मैंने कहा वापस मार्केट चलते हैं फिर कुछ खाने। एक किलोमीटर एक किलोमीटर साला आगे आ चुके हैं और अरे तो पहले तो मैं पहले नहीं बताया इसलिए पहले कुछ खा के आते हैं। तो अभी दोस्तों हमने अपना ऑर्डर कर दिया है यहाँ से ग्रिल सैंडविच और या इस शॉप से करा है हमने क्या क्या किया तुमने? हनी चिली कॉलीफ्लावर एंड बर्गर। हाँ, और मैं बोल रही हूँ तू खा ये वाला सामान और मुझे दिला बगल से सामान मेरे काम की चीज। क्या बोलता है? दुकान खरीदने वाले भी मेरी। क्या बोलता है अभी उसके बाद ये भी जाने वाले हैं? सब झूठ कुछ नहीं दिलाएगा मुझे। तो अभी इसने ऑर्डर किया अभी मैंने बर्गर और ये खा रहा है यहाँ पे और मुझे कुछ खास पसंद नहीं तो मैं नहीं खा रही, तो यही खा रहा है अभी। और बाकी हमने कुछ ऑर्डर कहा था सुने के लिए सर, ऑर्डर करवाया है ना पहले। मुझे पसंद नहीं कुछ खास। अब मेरी शक्ल दे रही है, बोल रही थी मैंने ऑर्डर नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो मैंने मंगाया नहीं। शक्ल से इसके मुँह में लग रहा है पानी आ रहा है। और अभी घर भी जाना है, मम्मी को क्या बोलूँगी कैसे बुलाऊँगी बाहर मम्मी को? वैसे मुझे लगता है मम्मी को ना डाउट हो गया थोड़ा सा ये आने वाला है, क्योंकि आज मैंने जिंदगी में पहली बार मम्मी को बोला कि कुछ अच्छा सा बना देना खाने के लिए, जो कि मैं कभी नहीं बोलती खाने के लिए। ऐसा खाने तो मिलते हैं घर पे आप। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर के नीचे, ये मेरे हाथ में इसको बाहर ही रखूंगी। और कौन सा घर है? मम्मी को इसे कुछ पता ही नहीं है। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है बेटा, ऊपर जाना। ये है कि ऊपर जाना है। अरे मम्मी को समझ नहीं आ रहा कैसे बुलाऊं, मम्मी को डाउटफुल है मम्मी कि तू आ रही है। अरे सीधा घुसते हैं अंदर कसम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन तो कौन है अम्मा? अम्मा थोड़ी आज कल ठीक है। वेलकम अम्मा। मैं नचे आयो को मैं झागवा खुशी नहीं मैं ठाट ठाट से चले नहीं तुम मेरे ठा अम्मा कैसे लग रहे?
ऐसे में तो मजा आता है। क्या देख लो, चलो मुझे तो कोई प्यार कर रहा है। ये पोरों में मोटिया हूँ। हाँ, ये क्या हुआ? अम्मा। हाँ। करवा मैं तुम दागड़ा। लेकर आ रही हूँ उसको। हाँ। उसको लेकर आ रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ। हमारी बेबी डॉल। खूब चलूँगा लड़ों को। अभी दांत नहीं आए मेरी अम्मा के, अभी दांत आएंगे। इसको मैं लेके आई और देखना कैसे मम्मी भेदभाव कर रही मेरे साथ, उस पर कैसे चिपक गया आती मम्मी। काम वाली कौन है? काम वाली काम वाली बोल रहा है मुझे। सब ये जब से जिंदगी में आया था मेरा सारा हक, मेरा प्यार, मेरा सब छिन गया है। मैंने मम्मी को बोला था आज कि पनीर वनीर कुछ अच्छा सा मतलब बना देना खाने को, तो मम्मी को डाउट सा तो हो रहा था कि इसने कैसे बोल दिया आज। तो हम लेके आए थे हनी चिली कॉलीफ्लावर, मेरा फेवरेट है वैसे ये। सूरज कितनी बार बोलूंगी, सूरज पी रहा है सूप। घर का आनंद लेते हैं। मेरी कदर भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी मेरी कदर भी हो रही है। कैसा महसूस हो रहा है मम्मी? दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही है मेरी, खुशी के मारे है ना। तो खाएगी ना? क्यों नहीं खाऊंगी मैं, खाऊंगी मैं। देखना कैसे बोल रहे हैं। सितारे में से ना एक खास चीज निकली मेरे लिए, लेके आया गिफ्ट। ये सॉक्स लेके आया, दिखा तो दे, दिखा तो सही। ये देख लो, गिफ्ट नहीं है वो, ये सॉक्स लेके आया मेरे लिए, क्योंकि मेरे सर्दी में ना बहुत ज्यादा पैर ठंडे रहते हैं। इतनी बड़ी मोटी लेके आया ये, पड़ी हुई थी रोटी के नाते। दिखा तो दे कैसी है। यार ये कुछ चीज दिखाने वाली होती है, कैसे छुपा रहा है ये? और क्या बनेगा रे तू ब्लॉगर, सस्ता ब्लॉगर। मैं अंदर अपने दादी ना लो फील कर रही थी दो तीन दिन से, आज लगता है एनर्जेटिक फील कर रही है पोते के आने से। अम्मा अम्मा कल से दौड़ लगाई है, एक पोता आ गया घर। अम्मा अम्मा कैसा लग रहा? अम्मा बेबी डॉल में सोने दी क्योंकि आज आपका नतिया जो आया है। मगर तू खुश से क्या के देही मुखार से शमा ना पड़े थे। क्या बात है। अम्मा नीचे की बैठ रहे हो? अरे मम्मी स्टूल, ये हमारी बेबी डॉल स्टूल में बैठे क्या? भाई पता नहीं कुछ कह रहा था, भाई जाके नॉनसेंस। टेबल दो हंसों का जोड़ा। अभी अम्मा दौड़ रही है फिर भी बोल रही है मेरे को एक गोली ला दे जिससे मेरा काम तमाम हो जाए। ऑडियंस ऑडियंस कैसे बैठी हुई है सामने, एकदम टिप टॉप हो गई। अपने आप को सही सेट कर रहे सिर्फ और सिर्फ पोते के लिए। मेकअप स्टार्ट हो गया ऑडिशन के लिए। उनको पता क्या, मैं दादी को थोड़ा सा कम सुनाई देता है तो नहीं ऊंचा सुनाई देता मतलब, तो हमारी बात सुन। बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, और हाय अम्मा। कोई मरे मुर्दे नहीं आउट, मरे मुर्दे भी लगी है देखो टकाटक और की। चूड़ी तो दिखा दो, चूड़ी चूड़ी चल चन चन नन नन चन चन नन नन, चूड़ी चूड़ी दूसरे हाथ की भी बाजा की। ओहो मगर ही बज नहीं रहे ये बाजा मां भरते हैं हाथ। श्री राम का कमरों क्या है देख रहे हो?
अम्मा को मुझे लगता है ब्राइडल चूड़ा ला के देना पड़ेगा। हैं? पापा आने में कितना टाइम लगा। पापा ने मेरे टाइम लगाया। मेहमान आ रहे हैं। आइए पधारिए। तेरे? संस्कार का क्या तेरे? अप्पड़ मारूंगी तेरे में। पैर छुए। जाए तो ना ड्रामा ना कर कर। दूर। लेने नहीं आया मेरे को। एयरपोर्ट पे। ना तुम तो क्या करो? पूरा जब्बी लड़ाई से करूँ मैं। मैं तो और क्या? जब्बी लड़ाई से आया मेरे को। वहाँ के कोर्ट से आ रहा हूँ क्या क्या के? पग आया हमारे घर में। पग डॉग। Men hiding feeling inside their heart. तो दोस्तों हमने अपना भोजन पानी कर लिया है और अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। छोटा सा ब्लॉग था और भाई ने उसे मुझे दो तीन दिन पहले बता दिया था कि वो आ रहा है, पर मैंने घर में किसी को नहीं बताया था क्योंकि एक छोटा सा सरप्राइज करना था घर वालों को। और अब हम खाना खा के मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, थोड़ा फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, इसीलिए ये मत सोचना कि मैं पतले होने के लिए कर रही हूँ। अरे भाई पी रहा है अपना दूध। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अपना प्यार हमेशा की तरह ऐसे ही बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय, जल्द मिलेंगे।